दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपाई। और अब हम पढ़ रहे हैं एंजाइम्स के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पढ़ते हैं एंजाइम्स के बारे में, ये कौन से एंजाइम्स हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हेल्प करते हैं। सो देखिए, देर आर ए नंबर ऑफ स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ एंजाइम विच आर एम्प्लॉयड इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स काम में लिए जाते हैं। दीज इंक्लूड्स लाइसिंग एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम, सिंथेसाइजिंग एंजाइम, ज्वाइनिंग एंजाइम। इन सब के बारे में हमें अलग अलग डिटेल से पढ़ना है। जैसे सबसे पहले मैं आपको लाइसिंग एंजाइम के बारे में बताता हूँ। वॉट आर लाइसिंग एंजाइम? दीज एंजाइम्स आर यूज फॉर ओपनिंग द सेल्स टू गेट डीएनए। अब यार, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट डीएनए। तो डीएनए कहाँ होता है? सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो उस सेल को खोलना पड़ेगा पहले तो, और फिर उसमें से डीएनए को निकालना पड़ेगा। अरे, डीएनए को कहीं से ले रहे हैं तो फिर उस सेल, जिस सेल में वो प्रेजेंट है, उसको पहले तोड़ना भी तो पड़ेगा। सो उस सेल में से डीएनए को कलेक्ट करने के लिए उस सेल को ओपन करना पड़ेगा, और लाइसिंग एंजाइम हमें इस चीज़ में हेल्प करते हैं। लाइसिंग एंजाइम आर यूज फॉर ओपनिंग द सेल टू गेट डीएनए। नाउ, जैसे एग्जांपल, एक एंजाइम सुना होगा आपने, लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होता है उसको कम्प्लीटली डिसॉल्व कर लेता है। बैक्टीरियल सेल वॉल इज कम्प्लीटली डिसॉल्व विद द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम। लाइसोजाइम की हेल्प से हम कम्प्लीटली डिसॉल्व कर सकते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल को। ठीक है, फिर उसमें से डीएनए निकाल लेंगे हम। सो दीज आर लाइसिंग एंजाइम, बात खत्म। देन जानी सुन, क्लीविंग एंजाइम क्या होते हैं? ये डीएनए के लिए काम में ले जाते हैं। डीएनए का क्या करते हैं सर? इसकी तो काटते हैं इसको, डीएनए के स्पेसिफिक पार्ट को कट करने के लिए, बोला था ना, ये क्लीविंग एंजाइम होते हैं। क्लीविंग एंजाइम आर यूज्ड फॉर क्लीविंग डीएनए, डीएनए को कट करने के लिए एट स्पेसिफिक साइट। अब ये क्लीविंग एंजाइम सुन, ये तीन तरीके के होते हैं। तीन कौन से? एक है एक्सोन्यूक्लियस, एक है एंडोन्यूक्लियस, एक है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। पहला एक्सोन्यूक्लियस, मेरा प्यारा एक्सोन्यूक्लियस, पता है जानी ये क्या काम करता है? ये एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? इट कट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये तो पता ही है, क्लीविंग एंजाइम क्या करते हैं? न्यूक्लियोटाइड को कट ही तो करते हैं, डीएनए को कट ही तो करते हैं। इसमें आगे बताना, कट ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम 5' to 3' एंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ध्यान से सुनो, कट ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम 5' और 3' एंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। यानी ये डीएनए मॉलिक्यूल है, बना ही रखा है, ये डीएनए मॉलिक्यूल है, ये इसका 5' एंड, ये इसका 3', ये तेरा 3', ये तेरा 5', ये केवल एंड से कट करता है, ये केवल एंड से कट करता है एक्सोन्यूक्लियस। जानी एक्सोन्यूक्लियस है ये केवल एंड से कट करता है, एंड से न्यूक्लियोटाइड्स को कट करता है, डीएनए के स्ट्रैंड को एंड से कट करता है। 5' एंड से कर लेगा या 3' एंड से कर लेगा, ठीक है। नाउ दूसरे हैं एंडोन्यूक्लियस। मुझे पता है एंडोन्यूक्लियस क्या होते होंगे। एंडोन्यूक्लियस बीच में से काटते होंगे, सही पकड़े हैं। एंडोन्यूक्लियस ब्रेक डीएनए ड्यूप्लेक्स। ये घर है क्या ड्यूप्लेक्स? ना बेटे, डबल स्ट्रैंडेड को ड्यूप्लेक्स बोला इसने, समझदार है ये, मॉडर्न है। ब्रेक डीएनए ड्यूप्लेक्स एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट द एंड। एंड को छोड़ करके बीच में से कहीं भी लग जाता है, एंडो न्यूक्लियस। तू एंडो न्यूक्लियस है, तू डीएनए को कहीं से भी काट देता है एंड को छोड़कर, तू एंड पे काटता है, तू बीच में, तू एंड पे। नाउ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं? रेस्ट्रिक्शन मानी कोई प्रतिबंध, कोई रुकावट, या कोई मतलब ऐसे कि एक पर्टिकुलर कि ऐसा ही होना चाहिए, यहीं से होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन, है ना। यू आर रेस्ट्रिक्टेड टू गो देयर लाइक दिस।
सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, एंडोन्यूक्लियस है मतलब ये काटेगा तो सही, बीच में से काटेगा, एंडोन्यूक्लियस है ये, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसका मतलब क्लीव द डीएनए डुप्लेक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट इन सच अ वे दैट दे कम टू पोजेस शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड फ्री एंड्स। ये बहुत बड़ी बात है जो मैं अभी पूरे बोर्ड में लास्ट तक यही समझाऊंगा कि ये डीएनए को क्लीव करते हैं स्पेसिफिक पॉइंट्स पे ही करते हैं, इस तरीके से करते हैं कि काटने के बाद उनमें दे कम टू पोजेस शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड फ्री एंड्स, मतलब काटने के बाद में उस डीएनए में शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड फ्री एंड्स प्रोड्यूस हो। समझ में नहीं आया, आई नो आराम से समझ में आएगा, शांति से इस लाइन को पकड़ के बैठना, अभी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, एग्जाम्पल है जैसे वहां मैंने एग्जाम्पल दिया था लाइसिंग एंजाइम का लाइसोजाइम, वैसे यहां पर एग्जाम्पल है इकोर फर्स्ट, ECOR फर्स्ट, इस इकोर फर्स्ट, ये इकोलाई से ऑब्टेन होता है, ये इकोलाई से ऑब्टेन किया जाता है इकोर फर्स्ट। ये क्या है, ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, REE है शॉर्ट में बोलूं तो, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, REE है। ये डीएनए सेगमेंट को काटेगा, डीएनए डुप्लेक्स को काटेगा, लेकिन एक स्पेसिफिक साइट पर जिसको रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं। ये बातें शांति से समझना, यहां तक भी समझ में नहीं आएगा मैं गारंटी लेता हूं वीडियो के लास्ट तक समझ में आ जाएगा, तो शांति से सुनो और बातों को कैच करते जाओ। इकोलाई से ऑब्टेन होने वाला इकोर फर्स्ट एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो एक पर्टिकुलर साइट पर कट करेगा डीएनए को, पर्टिकुलर साइट पर कट करेगा, वो साइट को बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट है GAATTC, ये GAATTC दो स्ट्रैंड होते हैं ना डीएनए के, तो GAATTC ये तो उप एक स्ट्रैंड ले लो 5' से लेकर के 3', फिर उसके बाद में ये CTTAAG ये दूसरा स्ट्रैंड है 3-5', ये उसका कंपोजिशन है, ये उसका कंपोजिशन, ये क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो मिला करके बेस पेयर बनाते हैं, ठीक है, पद समझ में आएगा अभी। और इनमें सर ये इनमें ये तो ठीक है आपने बता दिया, लेकिन इनमें ये काटता कहाँ पे है, ये वहाँ पर काटता है जी और ए के बीच में, cleaves its strands between G and A। ये बात अभी इससे समझाता हूँ मैं तुम्हें, देखो ये क्या है, ये क्या है, ये DNA का एक स्ट्रैंड है 5-3', जैसा कि मैंने बोला था GAATTC, ठीक है, ऐसा ही 3-5' CTTAAG, ठीक है, समझ में आया। अब पहली बात, इकोर फर्स्ट को जब काम करने के लिए बुलाया जाएगा ना कि भाई हेलो आ यार थोड़ा सा काम करके जा, तो इकोर फर्स्ट सबसे पहले आएगा, आते सबसे पहले देखेगा कि मेरे को तो ये कंडीशन चाहिए, मेरे को अगर ऐसा दिया गया, मैं इतनी इतनी चीज़ें, ये मेरा रिक्वायरमेंट है, अगर ये चीज़ें हुई, ऐसा मेरे को कुछ दिखाई दिया डीएनए के स्ट्रैंड्स पे, ऐसा GAATTC और CTTAAG ऐसा दिखाई दिया, ठीक है, तो ही मैं काम करने के लिए रेडी होऊंगा, तभी मैं इसको काटूंगा, कहीं से इसको काटूंगा, ठीक है, बात समझ रहे हो। अब जी सी इनमें क्या हो रही है, बेस पेयरिंग हो रही है, ठीक है, बेस पेयरिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ ये इकोर फर्स्ट सबसे पहले तो ये देखेगा और फिर उसके बाद में चुपके से जी और ए के बीच में आकर यहां से काट देगा इसको, फिर इधर से काटता जाएगा और इधर भी जी और ए के बीच में काटेगा, इधर, ये समझ गए, यही तो लिखा था मैंने, cleaves its strands between G and A, यानी ये G और A के बीच में ही काटेगा, G और A के बीच में ही काटेगा और कहीं भी नहीं काटेगा, सो कुछ काटेगा तो इस तरीके का कुछ बनेगा, ठीक है। अब इसने DNA strand को काट दिया ना, देख लो समझ लो, काट दिया इसने, तो अब क्या हुआ, अब कुछ ऐसी स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगी ना कि यहाँ पर तो ये G है, नीचे की तरफ C है, T T A A, ठीक है,
ये बना रहा हूँ, ये इधर एक अलग स्ट्रैंड बन के रह जाएगा और ऊपर की तरफ ये अलग बचेगा, मतलब ये अलग हो जाएगा यहाँ से, फाड़ दो इसको अलग और फिर अलग अलग बना के देखो, ठीक है? ये अपना एक अलग मैटर है, ठीक है? इधर एक अलग मैटर बन जाएगा, ए ए टी टी सी था यहाँ पे सी, देन यहाँ पर जी, ये अपना एक अलग मैटर बन गया, ठीक है? काट दिया इसने इसको, ठीक है? अब काट दिया, समझ गए? ये इकोर फर्स्ट करता है, यही तो चाहिए था हमें, हमें डीएनए स्ट्रैंड को काटना था और इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने, इस इकोर फर्स्ट ने इसको काट दिया। मैं आपको यहां से ये समझाना चाहता था कि ये इकोर फर्स्ट क्या करता है, जो इकोलोई से ऑब्टेन होता है, ये इन रिकॉग्निशन साइट पर काटता है। अगर ये चीजें उपलब्ध हैं, ऐसा सीक्वेंस है ना दोनों स्ट्रैंड्स पर, तब ही ये काटने के लिए आएगा। और काटेगा तब कैसे काटेगा, जी और ए के बीच में काटेगा, ए और जी को अलग कर देगा, ए और जी को अलग कर देगा, ठीक है? अब इस लाइन को फिर पढ़ते हैं, क्लीव डीएनए ड्यूप्लेक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट पर कट कर रहा है ए और जी के बीच में, और ये इसका काम करने का वो तरीका है, रिकॉग्निशन साइट है एक पर्टिकुलर, इन सच ए वे दैट दे कम टू पोजेस शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड फ्री एंड्स, मतलब काटने के बाद, इन सच ए वे दैट दे कम टू पॉजेस शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड फ्री एंड्स। देखो अब ये अभी इतना अलग हो चुका है ना, तो अब ये क्या है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड फ्री एंड्स है ना, ये सिंगल स्ट्रैंडेड फ्री एंड बन गया ना। वैसे इधर ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड फ्री एंड है, ये अलग अलग हो गए हैं, पहले ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए थे सब के सब, लेकिन अब अलग हो गए हैं, तो ये वाला ऊपर वाला अलग, साथ में थे तो डबल स्टैंडर्ड थे, अलग हो गई, ये सिंगल स्टैंडर्ड फ्री एंड है, ये सिंगल स्टैंडर्ड फ्री एंड है, समझ गए? ओके, समझ में आ रहा है ना? सो इसने क्या फॉर्म किया, दे कम टू पोजेस शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड फ्री एंड्स। अब इसी बात को फिर हम ऊपर जाके पढ़ेंगे, वैसे एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं, एक और फर्स्ट का कटिंग साइट क्या है, जी ए टी टी सी एंड सी ए सी टी टी जी ए जी, ये आपको याद रखना, और ये याद रखना कि ए और जी के बीच में काटता है, यस और नो, समझ गए? ओके ओके डन। देन अब मैं आपको इसी बात को एक बार फिर समझाता हूं, अच्छे से हम समझेंगे, आराम से समझना। देखो अभी मैंने बोला कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया, इकोलाई से, इस इकोर फर्स्ट को इकोलाई से ऑब्टेन किया, तो सर ये एंजाइम बैक्टीरिया से कैसे मिला? मैंने बोला एंजाइम है, और बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है कि हम बैक्टीरिया, एनिमल्स की कोई चीज, बायोलॉजिकल कोई चीज, हम टेक्नोलॉजिकली उसको यूज करें, जैसे लिविंग यूज कर लें, उनके एंजाइम यूज कर सकते हैं, उनके जीन्स यूज कर सकते हैं। सो ये देखो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है ना, ये बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है। अच्छा सर, बैक्टीरिया में इसका क्या काम है? ये तो डीएनए को काटने का काम करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, तो बैक्टीरिया में कहाँ डीएनए को काटते हैं? तो सिंपल सी बात यह है कि बैक्टीरिया के अंदर जो वायरल डीएनए एंटर होता है ना, उनको इन्फेक्शन जो कॉज करते हैं माइक्रोब, जैसे बैक्टीरियोफेज, जो वायरस बैक्टीरिया को इफेक्ट करते हैं, दैट आर नोन एज बैक्टीरियोफेज। वो बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, तब उस टाइम पे जो उनका डीएनए अंदर एंटर होता है ना, वो जो वायरल डीएनए है उसको खत्म करने के लिए, उसको काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है अपनी रक्षा के लिए, जिसको हम अपने मतलब के लिए यूज में ले लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, यस और नो? वेरी क्लियर थिंग, बैक्टीरिया फ्रेगमेंटेशन ऑफ वायरल डीएनए विदाउट अफेक्टिंग बैक्टीरियल जीनोम। अब ये बैक्टीरियल जीनोम को इफेक्ट नहीं करता, अरे यार खुद की बनाई हुई चीज खुद को ही थोड़ी खा जाएगी, हम एंटीबॉडीज बनाते हैं तो ऐसा थोड़ी है एंटीबॉडीज हमारी बॉडी की सेल्स को खाना स्टार्ट कर देंगी, नो। सो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बैक्टीरियल जीनोम को इफेक्ट नहीं करते, किसको इफेक्ट करते हैं? वायरल जीनोम को, जो बाहर जाता है, पर्टिकुलरली फॉर बैक्टीरियोफेज। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, इसको लोग यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, यूज इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, बिकॉज क्यों करते हैं इसको यूज, बिकॉज इट कैन बी यूज इन विट्रो टू रिकॉग्नाइज एंड क्लीव विद इन स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, क्योंकि इसको
अपन इन विट्रो मीडियम में यूज कर सकते हैं, इन विट्रो मतलब एक्सटर्नल मीडियम में यूज कर सकते हैं लैब कंडीशंस में, कि किसी वो स्पेसिफिक अपनी साइट को रिकॉग्नाइज करे और उसको क्लीव कर दे स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को. ओके, टिपिकली कंसिस्टिंग ऑफ 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स. नाउ ये कौन से डीएनए सीक्वेंस को क्लीव करते हैं, पर्टिकुलरली जिसमें 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं. जैसे हमने नीचे देखा था उसमें क्या था, जी ए टी टी सी, कितने थे, 5 या 6 थे. तो 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड वाले सीक्वेंस को ये कट कर देता है. ठीक है, नाउ ये जो 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड्स का ये जो ग्रुप बताते हैं, ये इसको बोला जाता है रिकॉग्निशन साइट, जिस पर ये काम करता है. क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, रेक्स, रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट, रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट. सो दिस रेस्ट्रिक्शन साइट इज 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड ग्रुप. जैसे एग्जाम्पल इको और फर्स्ट के लिए क्या था, जी ए ए टी टी सी, और अपोजिट एंड में जी सी ए टी 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 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, बोलो टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ए सी जी. तो तुम्हें पता होगा ये मैं किस बेसिस पे लिख रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट्री, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी होता है, ए का टी जी का सी, ए का टी जी का सी. ठीक है, इनकी बेस पेयरिंग होती है. सो दिस इज पर्टिकुलरली द रिकॉग्निशन साइट, ये पर्टिकुलर द रिकॉग्निशन साइट फॉर इकोर फर्स्ट. नाउ अब इनका जो सीक्वेंस होता है, ये रेस्ट्रिक्शन साइट जो है ना, ये पैलिंड्रोमिक होती है, ये पैलिंड्रोमिक होती है. पैलिंड्रोमिक मतलब देखो यहां से देखो, ये यहां से यहां जाने पर, ये यहां ये 5-2 3- जाने पर, और इधर से 5-3-2 5- जाने पर सेम है. समझ रहे हो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पैलिंड्रोमिक, डीएनए सीक्वेंस इज सेम व्हेन रेड इन 5-2 3- डायरेक्शन, 5-2 3- डायरेक्शन ऑन बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स. मतलब जब भी हम डीएनए सीक्वेंस को रीड करें 5-2 3- डायरेक्शन एक स्ट्रैंड पर, और दूसरे पे भी 5-2 3- अपोजिट है ना दोनों, 5-2 3- इधर एक स्ट्रैंड पे और फिर 5-2 3- इधर दूसरे स्टैंड पे, तो जब उनको रीड करें तो सेम आना चाहिए. जैसे एग्जाम्पल इधर 5- एंड है, ये 5- एंड है, ये 3- एंड है, ये 5- एंड है, ये 3- एंड है. 5- से 3- रीड करो, जी ए टी टी सी. ठीक है, अब इधर 5-3 एंड करो, रीड करो, जी ए टी टी सी. सो दीज आर नोन एज पैलिंड्रोनिक सीक्वेंसेस. सो दीज रिकॉग्निशन साइट और रेस्ट्रिक्शन साइट्स आर पैलिंड्रोनिक. ठीक है, मतलब दोनों 5-2 3- रीड करने पे सेम आती हैं. देन जो बात मैंने अभी नीचे आपको समझाई थी अलग से, वही मैंने एक बार फिर बना दी है यहाँ पर. जी ए टी टी सी है 5-2 3- एंड 5-2 3- एंड जी ए टी टी सी. ओ अरे सर, यहाँ पर तो इकोर फर्स्ट काम करने वाला है, इकोर फर्स्ट काम करने वाला है, क्योंकि ये तो उसकी रिकॉग्निशन साइट मुझे मिल गई, उसकी रेस्ट्रिक्शन साइट है. तो और वो कहाँ से काटता है, ए और जी के बीच में, ए और जी के बीच में, ए और जी के बीच में. ठीक है, नाउ अब कटने के बाद में कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा, कटने के बाद में कुछ ऐसा दिखाई देगा. देखो जरा उधर देखो, जी ए जी सी टी टी ए, ये अकेले बच गए, ये इनका तो बंधन टूट गया है, टी टी ए का बंधन टूट गया है. अब ये और नीचे देखो, ए टी टी सी और जी, ये ए टी टी सी और जी, ये अलग हो गए. मतलब ये जो कुछ न्यूक्लियोटाइड्स है इनका तो बंधन टूट गया, मतलब इनकी बेस पेयरिंग अब नहीं है. तो ये जो एंड्स फॉर्म कर रहे हैं ना, जो जो सिंगल स्टैंडर्ड एंड्स फॉर्म कर रहे हैं, इनको बोलते हैं स्टिकी या फिर कोहेसिव एंड्स, स्टिकी या फिर कोहेसिव एंड्स. तो जब एक डीएनए सीक्वेंस या फिर एक रेस्ट्रिक्शन साइट का या फिर रिकॉग्निशन साइट का जब क्लीवेज कराया जाता है, जब इसको तोड़ा जाता है, रेस्ट्रिक्शन कराया जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंडर न्यूक्लियस एंजाइम उस पर एक्ट करता है, तब वहां पर दो स्टिकी एंड्स का फॉर्म होता है. एक तो इधर फॉर्मेशन हुआ स्टिकी एंड का, एक इधर स्टिकी एंड का फॉर्मेशन हुआ. ठीक है, नाउ टू स्टिकी एंड्स या फिर कोहेसिव एंड्स आर फॉर्म. इनको स्टिकी एंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर मान लो कि ए है, तो ए किसके साथ पेयरिंग करता है, ए किसके साथ पेयरिंग करता है, टी के साथ. तो
अगर कहीं से टी न्यूक्लियोटाइड को ले आए तो यहां पर फिर बेस पेयरिंग हो जाएगी, फिर जुड़ सकता है, तो दैट्स वाई इट इज नोन एज स्टिकी एंड या फिर कोहेसिव एंड। ठीक है, ओके। सो यहां से हम एक कॉन्क्लूजन लिखते हैं कि सो बाय कटिंग टू डिफरेंट डीएनए सैंपल्स विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये सुन, सो बाय कटिंग टू डिफरेंट डीएनए सैंपल्स विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मतलब दो डिफरेंट डीएनए सैंपल्स को अगर हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटवा रहे हैं एंड मिक्स कर रहे हैं उनको, मिक्सिंग द फ्रैगमेंट्स टुगेदर ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी जेनरेटेड, ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी रीजेनरेटेड। ये इसको मैं एक बार समझाता हूँ इस चीज को, ये क्या बोला गया, इसने ऐसे बोला है कि अगर हम दो डीएनए सीक्वेंसेस को कट करें सेम जैसे एग्जांपल मेरे पास क्या है कि ये तो मेरा इधर होस्ट है, इकोलाई है मान लो, और इधर ह्यूमन है। ठीक है, यहां से मुझे डीएनए का सीक्वेंस निकालना है, फिर ले जा करके यहाँ इस होस्ट में, इस इकोलाई में फिट करना है। ठीक है, एग्जांपल समझिए, यहाँ पर इस इकोलाई में फिट करना है। ठीक है, तो क्लीवेज की जरूरत यहां भी पड़ेगी, यहां उसको काटना पड़ेगा, वहां भी उसको काटना पड़ेगा, वो जगह को काटना पड़ेगा जहां पर मैं ये जाके लगाने वाला हूँ। इमेजिन करो ना, अरे यार अगर मान लो कि मुझे यहां से ये ढक्कन खोल के यहां पर इस पे ये ढक्कन लगाना है इस मार्कर पे, तो मुझे इस मार्कर का ढक्कन भी निकालना पड़ेगा। सही बात है ना, तो इस मार्कर का ढक्कन निकालना पड़ेगा और इसका भी निकालना पड़ेगा। तो ये काम कौन करता है, ये क्लीवेज का काम कौन करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स करते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वही जिससे हम यहाँ काम करवा रहे हैं ना, उसी से यहाँ काम करवाना पड़ता है। अगर मैंने ह्यूमन में इकोर फर्स्ट यूज किया तो मेरे को इस इकोलाई में भी वही यूज करना पड़ेगा, इकोलाई में भी वही यूज करना पड़ेगा, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सो यही बोला गया था यहाँ पे, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सो बाई कटिंग टू डिफरेंट डीएनए टू डीएनए डिफरेंट डीएनए सैंपल्स विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इकोर फर्स्ट सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंड मिक्सिंग द फ्रैगमेंट्स, एंड मिक्सिंग द फ्रैगमेंट्स टुगेदर, और उन फ्रैगमेंट्स को मिक्स कर दिया जाए, फिर जाकर के होस्ट में क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, दिस इज द थिंग। अब सारे के सारे ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ऐसे नहीं होते, एक जैसे नहीं होते, कुछ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स ऐसे होते हैं, जैसे एग्जांपल SMA1, SMA फर्स्ट, जिसको सिरेशिया मार्सिसेंस भी बोला जाता है, फुल फॉर्म बोलूं तो सिरेशिया मार्सिसेंस फर्स्ट। ठीक है, ये जैसे कुछ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ऐसे होते हैं जिनके अंदर ब्लंट एंड्स बनते हैं। ब्लंट एंड्स कैसे बनते हैं, जैसे एग्जांपल तुम ये देख रहे हो, ये जो देख रहे हो ना तुम समा फर्स्ट, इसकी रिकॉग्निशन साइट ऐसी होती है CCCGGG, फिर उल्टा ले लो CCCGGG, इसकी रिकॉग्निशन साइट ऐसी होती है। अब ये रिकॉग्निशन साइट है, और दूसरी बात ये सी और जी के बीच में काटता है, सी और जी के बीच में कट करता है, तो ये यहां से कट करेगा बीच में से। ठीक है, अब क्या होगा, दोनों तरफ सिंगल स्टैंडर्ड एंड कोई बनेगा ही नहीं, स्टिकी एंड कहीं बनेगा ही नहीं, क्योंकि सब इक्वल कट रहे हैं, इधर ही अपना पेयर में कट रहे हैं, ये इधर पेयर में चले जाएंगे, तो यहां पर स्टिकी एंड या कोहेसिव एंड तो बना ही नहीं, स्टिकी एंड या कोहेसिव एंड बना ही नहीं, तो यहां पर क्या बनते हैं, यहां पर ये ब्लंट एंड्स बनते हैं, ब्लंट एंड्स बनते हैं, इनको बोलते हैं ब्लंट एंड्स, इनको बोलते हैं ब्लंट एंड्स, क्योंकि ये किसी के साथ जुड़ती नहीं है, जैसे चाकू ब्लंट हो जाता है मतलब वो काटने की क्षमता को बढ़ता है, वो काट नहीं सकता अच्छे से एफिशिएंटली चीजों को, तो वैसे ही स्टिकी एंड तो कहीं दूसरे न्यूक्लियोटाइड लाने पर वापस बेस पेयरिंग कर सकते थे, लेकिन इनमें तो पहले से ऑलरेडी पेयरिंग हो रखी है, दीज आर नोन एज ब्लंट एंड्स। ये कौन करता है, एग्जाम्पल SMA1। ओके, सो आपको यही दो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, एक तो SMA1 है जो कि कैसे कट करता है, GGG CCC अपॉन C, ऐसे इस पे कट करता है, ये आपको याद रखना है। देन आपको एक और फर्स्ट का याद रखना है, क्या है, GAATTC, GAATTC। ठीक है, ये क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रिकॉग्निशन साइट। सो ये मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया एंजाइम्स के बारे में। अब
मैंने बोला था हम इन सब एंजाइम्स को पढ़ेंगे, तो अभी हमने लाइसिंग एंजाइम और क्लीवेज एंजाइम भी पढ़ा है, बाकी के एंजाइम्स को भी हमें पढ़ना है, जो कि हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को एक बार फिर देखिए, सारी चीज़ों को ध्यान से सुन करके इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, और ये जो नोट्स हैं दीज आर कंप्लीट एट ऑल, और इनको आप अच्छे से नोट करें, स्क्रीनशॉट वगैरह लेने के बजाय अच्छे से नोट करें, क्योंकि अपना नोट किया हुआ हमें ज़्यादा याद रहता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।